हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज 11th ऑफ सितंबर 2019 है, तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट रैंक द लोएस्ट कंजप्शन ऑफ आयोडाइज सॉल्ट। मतलब वो कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसमें कि सबसे लो रेट जो कंजप्शन है वो आयोडाइज सॉल्ट का होता है। आयोडाइज सॉल्ट क्या है? ये वो सॉल्ट है जिसमें कि आयोडीन होता है। आयोडीन क्या है? आयोडीन होता है एक विटामिन। ओके, तो ये इसकी डेफिशिएंसी से एक डिजीज होता है जिसको बोलते हैं गोइटर। अगर इसको प्रॉपर अमाउंट में नहीं लिया जाए तो गोइटर नाम का डिजीज हो जाता है। तो अगर ये रैंक देखें, हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखें, तो रैंक सबसे लोएस्ट कंजप्शन जिसमें रहा स्टेट में वो है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू, When the World Suicide Prevention Day is observed, तो जो World Suicide Prevention Day है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? वो 10th ऑफ सेप्टेम्बर को किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर टू का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, ऑग्यूमेंटिंग नेचर बाई ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट आंगन एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनर्जी एफिशिएंसी इन बिल्डिंग सेक्टर वॉज होस्टेड बाय विच सिटी। बेसिकली क्या है ना, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना होगा ग्रीन बिल्डिंग्स का। ग्रीन बिल्डिंग्स का मतलब कि कार्बन न्यूट्रल होनी चाहिए। बेसिकली वो कार्बन न्यूट्रल का सेंस क्या है कि जितना आप लेट से एनर्जी ले रहे हैं, आपके घर में जितनी लाइट्स जल रही हैं तो उतनी आप खुद ही प्रोड्यूस करें। खुद कैसे प्रोड्यूस करेंगे भाई? ऊपर सोलर पैनल होने चाहिए, रादर देन कि आप क्या करें कोल वेस्ट जो पावर प्लांट्स हैं वहाँ से लाइट लें। तो क्या आप कार्बन इनडायरेक्टली रूप से इन्वायरमेंट में डाल रहे हैं ना? लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो, जितना आप कंज्यूम कर रहे हो उतना आप प्रोड्यूस कर रहे हो, वो भी कार्बन न्यूट्रल वे में। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज नहीं कर रहे हो एनवायरनमेंट में। तो ऐसे ही हम ग्रीन बिल्डिंग्स को प्रमोट करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई है आंगन करके, वो कहाँ पे हेल्ड हुई है? तो इसमें बेसिकली एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेशन है इसका, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है इसमें कि इसको जो इंडिया में एक संस्था है, एक बॉडी है जिसको बोलते हैं BEE, मीन्स ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है, वो इन चीज़ को इसने बेसिकली अरेंज किया था, तो होस्ट किया था। और इसे किस सिटी में किया गया होस्ट? वो किया गया था न्यू दिल्ली में। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आपको क्या याद रखना है, पहली चीज़ कि ये एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर रहा है तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में नहीं जाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, BEE बहुत इंपॉर्टेंट वो है क्योंकि हर जगह आपको दिख जाएगी, क्योंकि इवन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को कार्बन से रिलेटेड जितने प्रोजेक्ट्स हैं, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल प्रोजेक्ट है क्लाइमेट चेंज के लिए, उसमें एक सब स्कीम है जिसको कि BEE देखती है, एनर्जी एफिशिएंसी। इवन अप्लायंसेस, जैसे कि बहुत सारे अप्लायंसेस हैं जिनमें ज़्यादा आप देखते होंगे 5-स्टार रेटिंग या 3-स्टार रेटिंग वाले AC वगैरह, उन सब की रेटिंग भी BEE करती है। तो BEE बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है जो कि पावर मिनिस्ट्री के अंडर है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसे रिन्यूएबल एनर्जी में मत कभी लगा देना, ये पावर मिनिस्ट्री के अंडर है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, नेम द बुक बेस्ड ऑन स्पीचेज ऑफ प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हुज सेकेंड एडिशन रिसेंटली रिलीज। मतलब हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, उनकी जो स्पीचेज हैं, चूंकि वो पूरे 5 साल के लिए इलेक्ट हुए हैं, तो उनके फर्स्ट ईयर में जितनी भी स्पीचेज थी उनको एक कंपाइल किया गया एक बुक के रूप में। अब उसका सेकेंड एडिशन अभी लॉन्च किया गया है, क्योंकि सेकेंड ईयर की सारी स्पीचेज को उन्होंने कंपाइल किया। तो वो जो बुक है उसका नाम है लोकतंत्र के स्वर। तो क्वेश्चन नंबर फोर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ, 24th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस इज बीइंग ऑर्गेनाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो वो कौन सा सिटी है दुनिया का जिसमें वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस ऑर्गेनाइज हो रही है अभी, मतलब कि 9th ऑफ सेप्टेम्बर से 12 सेप्टेम्बर तक ये ऑर्गेनाइज हो रही है। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये हो रही है अबू धाबी में, और अबू धाबी कहाँ पर है? UAE में, और UAE कहाँ पर है? मिडिल ईस्ट में, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर फाइव का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ, व्हाट इज द थीम ऑफ 24th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस विच इज बीइंग ऑर्गेनाइज इन अबू धाबी। जो अभी मैं जिस कांग्रेस की बात कर रहा था, जिस गैदरिंग की बात कर रहा था, वो उसका थीम क्या है बेसिकली? तो उसका थीम है एनर्जी फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन,
Sixth, India-China strategic economic dialogue was held in which city, which state? और आप इसे सिटी भी बोल सकते हैं. ओके तो वो कहां पे ऑर्गेनाइज हुआ है? तो वो हुआ है न्यू दिल्ली में. ओके तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. हाउ मच डिग्रेडेड लैंड इंडिया विल रिस्टोर बाय 2030. मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था एक दो दिन पहले जब मैंने स्लाइड बनाई थी कि यूएनसीसीडी की मीटिंग चल रही है ग्रेटर नोएडा में, और वहां पर जो लास्ट दिन था उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बात का जिक्र किया और ऐलान किया कि इंडिया 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड लैंड है उसे सेव करेगा, रिस्टोर करेगा, मतलब उसे ऐसा बनाएगा कि वहां कुछ उपजाऊ हो सके. ठीक है तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 26 मिलियन हेक्टेयर. क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड इनकरेक्ट मैच. तो यूएनएचआरसी है आप लेफ्ट में देखेंगे, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. आप देखेंगे लास्ट वाला, देखिए डी, यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस. ये भी बिल्कुल करेक्टली मैच है. यूनिसेफ देखेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में. ये भी करेक्टली मैच है. आप देखेंगे ऑप्शन बी, जस्टिस वी के ताहिल रमानी, जिन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया है और ये न्यूज़ बड़े लेवल पर कवर की जा रही है न्यूज़पेपर्स द्वारा. आप देखेंगे कि ये मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थी और उसके बाद इनका ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पर? मेघालय हाई कोर्ट में. उसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुई वो आप न्यूज़ में गूगल करना, बाकी चीज़ें. लेकिन आप देखिए इसको मैच कर रखा है दिल्ली हाई कोर्ट से, तो दिल्ली हाई कोर्ट से इनका कोई रिलेशन नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो इनकरेक्ट जो मैच है वो है बी, जस्टिस वी के ताहिल रमानी. चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड ऑरिक प्रोजेक्ट. बेसिकली एक प्रोजेक्ट है जिसकी मैं अगले जो स्लाइड है उसमें डिस्कस करूंगा इसके बारे में. इस प्रोजेक्ट को किसने इनॉग्रेट किया है? तो इसे इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने. ओके तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. रिसेंटली पीएम इनॉग्रेटेड ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ऑरिक. तो ग्रीन फील्ड, पहले तो ये समझ लिए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता क्या है. दो तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं, एक होता है ब्राउन फील्ड, ब्राउन फील्ड एक हो गया, और दूसरा होता है ग्रीन फील्ड. ठीक है, अब ग्रीन फील्ड क्या होता है? कोई जगह है वहां पर बिल्कुल नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, उसे ग्रीन फील्ड बोलते हो. और ब्राउन फील्ड कोई पहले का प्रोजेक्ट है उसमें ही आप एक्सटेंड कर रहे हो आगे, उसमें ही कुछ ऐड कर रहे हो, दैट इज अ ब्राउन फील्ड. ओके तो ये एक नई आपने और एक मतलब एक इंडस्ट्रियल सिटी को हमने प्रोजेक्ट का इनिशिएशन किया है, वो है औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी. तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. एक चीज ध्यान रखना, ये औरंगाबाद है कहाँ पे? मराठवाड़ा रीजन. आप लोगों को जो महाराष्ट्र है उसका मराठवाड़ा रीजन में. और ये किसका पार्ट होगा? एक फैक्ट याद रखना कि ये दिल्ली बॉम्बे जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसका पार्ट है ये सिटी. ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ग्रीन फील्ड को याद रखना, दिस इज अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट. ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. यूएनसीसीडी एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर. यूएनसीसीडी कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो ये एस्टैब्लिश हुआ 1994 में. तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13. विच सिटी रैंक फिफ्थ इन द 2019 नाइट फ्रैंक को लिविंग इंडेक्स. जो ये इंडेक्स है इसका फिफ्थ एडिशन अभी लॉन्च किया गया है, सॉरी इसका जो एडिशन लॉन्च किया है उसमें कौन सी सिटी है, कौन सी वो सिटी है जिसको फिफ्थ रैंक किया गया है? वो है इंडियन सिटी मुंबई. ओके और फर्स्ट कौन रहा है? फर्स्ट रहा है बीजिंग. ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, और इसको याद रखना ये फर्स्ट है उस रैंकिंग में. ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. हु वॉन द वुमेन हाफ मैराथन. पहले तो हाफ मैराथन क्या होती है? फुल मैराथन जानते हो वो होती है 26 माइल की, तो हाफ कितने की हुई? 13 माइल की. ये अराउंड बैठता है 42.19 समथिंग किलोमीटर, इतना आप ध्यान रखिए, ये अराउंड इसके बराबर होता है. ठीक है तो इसको अभी 2019 का जो ग्रेट नॉर्थ रन है उसमें किसने जीता है? तो उसे जीता है ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट
फॉर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? तो आप देखेंगे ऑप्शन ए, इट वॉज स्टेब्लिश इन 1995, ये बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन देखेंगे कि इससे पहले एक GATT गेट नाम की जो संस्था थी उसको बाद में ही जो जिसकी फाउंडेशन हुई थी 1946 में, लेकिन उसे बाद में WTO बना दिया गया, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी देखेंगे आप, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, और जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, लैंड में, ठीक है। तो इसके ए बी सी तीनों सही हैं, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, हरिकेन डोरियन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ये एक साइक्लोन है जो कि एक रीजन में तबाही मचा रहा है, तो ये किस रीजन से रिलेटेड है? तो ये है बहामास, और बहामास कहाँ पर है? नॉर्थ अटलांटिक रीजन में। नॉर्थ अटलांटिक कहाँ पर है? ये आप मैप में जाएंगे तो जो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच का जो एरिया है उसके बीच में अटलांटिक ओशियन पड़ता है, ठीक है, तो उसका नदन पार्ट है वहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इंडियाज फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर समिट वॉज हेल्ड इन विच स्टेट। तो ये हुई थी डी, देहरादून, जो कि उत्तराखंड स्टेट में लाई करता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, इन किसान मानधन योजना, ये पेंशन स्कीम है किसानों के लिए, व्हाट विल बी द मिनिमम अमाउंट प्रोवाइडेड टू मार्जिनल फार्मर। तो मार्जिनल क्या होता है बेसिकली? जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन हो उसे मार्जिनल फार्मर बोलते हैं। हु हैव अटेन द एज ऑफ 60, मतलब 60 की उम्र जिन्होंने क्रॉस कर लिया और मार्जिनल फार्मर हैं, उनको किसान मानधन योजना में कितना अमाउंट मिलेगा? तो वो मिलेगा 3,000 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, विच अमंग द फॉलोइंग न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरीज विल हैव अ कॉमन हाई कोर्ट। तो अभी न्यूली कौन सी फॉर्म हुई है? दो हुई हैं, J&K एंड लद्दाख, तो ये दोनों के लिए जो हाईकोर्ट बना है वो कॉमन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, पीपल हु डिफेस, मतलब कि आप पेड़ देखें, पेड़ का आप किसी तरह के कलर कर दो या फिर उस पर कोई पोस्टर लगा दो, ये सब करते हैं, उसको डिफेस बोलते हैं। द रोड साइड ट्रीज विच स्टेट हैज अनाउंस अ पेनल्टी ऑफ ₹25,000 एंड अ जेल टर्म अप टू 3 ईयर। मतलब वो कौन सा स्टेट है जिसने ये बोला है कि अगर जो पेड़ है उनके ऊपर इस तरह की कुछ किया जाएगा कि कुछ बैनर लगा दिए या फिर कुछ कलर कर दिए, तो उसके लिए ₹25,000 का जुर्माना प्लस 3 साल की सजा हो सकती है। तो वो स्टेट है तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों इसके साथ ही आज के करंट अफेयर खत्म होते हैं। हमारे डाउटनेट के एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल है यूट्यूब का, उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू।